तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड वी नॉट वन अपॉन वी नॉट टू। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपके पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट दिया गया है और आपको इस सर्किट के लिए वी नॉट वन अपॉन वी नॉट टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आप क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास तीन ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। फ्रेंड्स, पहला ऑपरेशन एम्पलीफायर ये है आपके पास वन, या आपके पास ऑपरेशन एम्पलीफायर टू, या आपके पास ऑपरेशन एम्पलीफायर थ्री। क्लियर है यहां तक? तो आपके पास यहाँ पे तीन ऑपरेशन एम्पलीफायर है। अब फ्रेंड, जो आपका पहला ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसका जो आउटपुट है यानी कि VA, ये आपके इन दोनों ऑपरेशन एम्पलीफायर के किसका काम कर रहा है? आपका इनपुट का काम कर रहा है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पोटेंशियल जी नाम से। तो ये मेरा टेलीग्राम का अकाउंट है, यहां पर मैं आपको वीडियोस के लिंक, पीडीएफ सब चीजें शेयर करता रहता हूं। तो आप जल्दी से जाकर इसको यहां पे फॉलो कर लीजिए। ये कहां पे मिलेगा आपको? टेलीग्राम पर। तो ये आपका टेलीग्राम का एक चैनल है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे ऑपरेशन एम्पलीफायर वन है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ओपैम्प वन दिया गया है, यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे ओपैम्प है वन, ओपैम्प वन, तो आपका जो ओपैम्प वन है, ओपैम्प वन पे आप देखिए हमारा जो वोल्टेज लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो यहां पर जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है वो कहां पर है? आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ये आपके पास है। अब यार आपको पता है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए हम यहां पे लिख लेते हैं वी नॉट डैट, कि आपका जो आउटपुट होता है यानी कि वी ए, इसका आउटपुट है ये हो जाएगा वन प्लस, आप इसको लिखेंगे आर टू अपॉन आर वन, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वी वन, क्योंकि इनपुट कितना है आपका वी वन, ये आपके पास इनपुट है वी वन। तो यहां से हमारे पास जब वी ए की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा वन प्लस, अब आर टू की वैल्यू टेन है और ये वैल्यू हमारे पास वन है, तो कितना हो गया? टेन अपॉन वन, ये हो गया आपके पास वी वन। तो यहां से वी ए की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी? 11। तो ये हमारे पास आ गई है 11V1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ गई है 11V1, मतलब जो हमारे पास VA है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 11V1। अब ये जो आपका 11V1 है, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, तो 11V1 हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यू है। अब ये जो 11V1 है ये इसके लिए इसका काम कर रहा है इनपुट का। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू। अब यहां पर जो अप्लाइड वोल्टेज है फ्रेंड्स, इस केस में जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है वो कहां पर अप्लाई है? नॉन इन्वर्टिंग पे, नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई है। आप खुद देखिए ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अब यार यहां पर आप देख सकते हैं, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो हमारा यहां पर फीडबैक रेजिस्टेंस है, यहां पे आपको कोई भी फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास वी नॉट वन इज इक्वल टू वन प्लस, ये हमारे पास है आपका आर टू अपॉन आर वन एन टू। फ्रेंड्स, ये हमारे पास है आपका यहां पर, इसको आप लिखेंगे यहां पर वी ए। अब आप देखिए कि यहां पे हमारे पास है वन प्लस, अब फ्रेंड्स फीडबैक रेजिस्टेंस कुछ नहीं है तो जीरो, ये हमारे पास हो गया आर वन इन टू वी ए। तो यहां से हमारे पास वी नॉट वन की वैल्यू कितनी आ गई है? वी ए, और वी नॉट वन हमारे पास कितना है? 11V1। तो वी ए की वैल्यू हमने यहां पे अप्लाई कर दी, तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स हम यहां पे अप्लाई करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर थ्री, तो हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो हमारे पास क्या है? थ्री। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हमारे पास है आपका थ्री। तो थ्री वाला केस अगर आप यहां पे देखेंगे तो आप देखिए यहां पर जो आपका इनपुट कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल पर है, पॉजिटिव आपका ग्राउंडेड है। तो नेगेटिव के लिए हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है
जो हमारा यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज है वो आपका कहाँ पर है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। यह हमारा कहाँ पर अप्लाई है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट टू माइनस, ये हो जाएगा आपका आर टू अपॉन आर वन इंटू वी ए। अब यार यहां से आप इसको देखेंगे तो माइनस आर टू की, तो यहाँ पे हमारे पास आर टू कितना है, थ्री वो आर, ये भी हमारे पास कितना है आर, तो दोनों हमारे पास आर आर है, तो माइनस का आर अपॉन आर और ये हमारे पास हो गया वी ए। तो वी नॉट टू की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का वी ए, तो ये हमारे पास है। अब वी ए की वैल्यू लगा देंगे तो वी ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 11, ये हो जाएगा वी वन। तो इस तरीके से आपने यहां पर इसको लिखा। अब फ्रेंड हमको क्या करना है, हमको यहां पर इसका रेशो निकालना है। तो वी नॉट वन ये हमारे पास है, वी नॉट टू तो आपके पास है 11 वी वन अपॉन ये हमारे पास है माइनस का 11 वी वन, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो v नॉट वन अपॉन वी नॉट टू इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का वन। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो यहाँ पर v नॉट वन अपॉन v नॉट टू की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, माइनस वन। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास इस सर्किट का क्वेश्चन का आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमिक के प्लेटफॉर्म पर फिजिकल साइंस का प्लस एजुकेटर हूं और मैं यहां पे आपको फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस देता हूं। तो मैं यहां पर आपको CSIR NET फिजिकल साइंस की लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने प्लस क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि इसका क्या बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको डेली 90 मिनट की क्लास मिलती है, यानी कि डेढ़ घंटे की हमारी क्लास होती है। हर तीन क्लास के बाद आपको यहां पे डाउट क्लियर सेशन मिलता है जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहां पे आपको लेसन वाइज क्यूज मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जो भी लेसन यहाँ पे पढ़ते हैं मैं साथ में आपको उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्यूज कराता हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके उस लेसन के लिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, मैं आपको इधर उधर का नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ पे जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और मेरे इन कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये मेरा नाम है अनअकैडमी पर ललित कुमार और ये मेरी प्रोफाइल है इस तरीके से। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे कोर्सेज पे डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज करना होगा। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये था। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप मेरे इस कोर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।